તો આના ડિપ્રેશનમાં કંઈક વાંધો આવી ગયો છે, ઘરરાટી બોલે છે તો ખોલ્યું છે આપણે. માધવ 165 ફીલ માર્શલ એન્જિન, જીપનો ગેર અને લોકલ ડિપ્રેશન. મજબૂત છે પણ ખબર નહીં, સાઇઝમાં બહુ નાનું છે તો કંઈક નટબટ આવી ગઈ હશે. તો અત્યારે ખોલી છે, વાંધો તો ડિપ્રેશનમાં દેખાય છે, જોઈએ શું થાય છે. તો હુઆ યે હે કે ડિપ્રેશન કા બેરિંગ ગયા હૈ. દેખ રહે હો આપ, ये जो आगे पीछे हो रहा है मिडल वाला, बीच वाला, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए. पता तो था कि डिप्रेशन में तो कुछ प्रॉब्लम है, तो फाइनली हम डिप्रेशन खोलने वाले हैं. इसको बोलते हैं सिंपल क्लोज डिप्रेशन, जिसमें दो बेबी चक्कर, दो साइड गियर आते हैं और एक क्राउन गियर. जबकि युवराज में ओपन डिप्रेशन आता है. क्या नहीं, 16 का इंजन है, 16 HP. और चलो यहाँ की हाई लो और पीटीओ की मैकेनिज्म समझा देता हूँ. ये है फ्री. अबे घूमना, ये हाई में हो गया, ये फ्री हो गया, ये लो गियर हो गया, और यहाँ से पीटीओ का होता है. पीटीओ से नीचे नीचे, हाँ जा यार, हाँ पीटीओ का ये ठीक है. ये पीटीओ बंद, ये पीटीओ चालू, ये पीटीओ चालू, ये पीटीओ बंद. यहाँ पर छोटा सा पीटीओ आता है और यहाँ पर बोगी का हाइड्रोलिक के लिए एक्सटर्नल हाइड्रोलिक पॉइंट. और ये यहाँ का व्हील कवर निकाल दिया है, ये हाइड्रोलिक का मैकेनिज्म. और यहाँ से जेट में ऑयल जाता है या फिर ऑयल निकलता है, आता जाता रहता है. हाँ वजन के लिए क्या करे, बहुत हल्का है ट्रैक्टर. सोचना एक बेत पौड़ाई है और दो बेत लंबाई है डिप्रेशन की, देख ले है? तो इतना छोटा डिप्रेशन होगा, क्या पिछवाड़े में वजन होगा. पिछवाड़ा बड़ा मतलब साधन ताकतवर, समझ गया? ध्यान रख, लाग गए नहीं क्या, खोटू मॉडिफिकेशन है करी थी यार, कोई काम तो है नहीं. जेक नहीं, पीछे वो लगवाना होगा जेक. तू मार, मैं वीडियो उतार रहा हूँ, बना रहा हूँ जेक है रहा. ये ले, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक जेक. ऐसा मस्त ऊंचा नीचा होता है. वो क्या प्लायर किधर है? ये ले जेक का लीवर, ये बॉक्स प्लायर की डंडी है. अब नीचे लगेगा ये चेक, देख लो. चले धीरे धीरे ये ऊंचा होगा.
देखा नहीं, नहीं लाइव नहीं है, इसको यूट्यूब पे डालेंगे। बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये हो गया फिक्स। अब निकाल दे, चेक रिलीज कर दे। ये पिछले वाले टायर की नट है, मल्होत्रा का टायर है। मेड इन इंडिया, चलो नेक्स्ट टाइप बताते हैं अब इसके आगे क्या होगा, ठीक है। और ये है टायर की ब्रेक पिछले वाला। यहाँ से ब्रेक लगती है, ये ड्रम है, ये ब्रेक का पट्टा है, छूना तो नहीं था फिर भी आपके लिए छू लिया। यहाँ भी एक इश्यू आ गया है, देख रहे हो आप, इसकी नट खर निकल गई है, देखिए। त्रिशंकु की तरह पड़ी है बिचारी नट, नहीं इधर नहीं उधर। चलो हो गया, वैसे निकलना ही, इसको निकालना पड़ेगा। हो गया, हाँ नहीं नहीं इसको क्यों निकालता है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा बाहर। हाँ डाल दे, जितना चाहिए उतना ही खोलना चाहिए, अगर रेड पड़ गई तो दिक्कत हो जाती है। चल हेल्प करता हूँ। हो गया, वो भी ठीक कर दे, नहीं ये ऐसे ही था, गिर गया होगा। चलो उसका भी सामान ले लेते हैं। अब ये ना यहाँ पर 5 बोल होगा, ये पहले यहाँ से निकाल दे, अगर निकल जाए तो अच्छा है तेरे से। ये नट नट अपनी जगह डाल दे, हो गया, वाह बढ़िया। सोलह सत्रह का रिंग प्लायर आएगा, कहाँ गया भूतनी का, इधर को तो रखा था। बस लूज ही करना, ठीक है। रिंग फिक्स नहीं, रिंग से हो जाएगा। चल सोलह, सोलह का कहां से ढूंढे, ये हो गया।
वहां क्या करेगा? एक बार बोल, हो गया? तो गाइस ये लड़का बहुत मेहनती है, ताकतवर है, प्लीज उसके लिए एक लड़की ढूंढ दो। लड़का टैलेंटेड भी है। बंद कर देना वो मारो भाई। बहुत मजा आ रहा है, नहीं तार मोटू देखा लो। कहीं चालू चालू थे चालू रे तो मैं वीडियो मोकल जात लूं जो YouTube में लिंक मोकले देश। एक बात तन को जे कुतारी ना ई बाजू नु काटे छे ने ला बाजू डकसे, એટલે આ બાજુ ને પેલા ઢીલા કરી ના જ્યાં કમલા થોડો કુતર નાખું થોડી ચારે ને મારો ભાઈ આની ઉપર આવી જાય ને એટલે હજી એમ ની કર જે એની ના ના પાછ કેમ નીકળી જશે સીધે સીધું કાઢ લે ને એટલે આવ કેલ્વિન આવ યુટ્યુબ નો વિડીયો બને મોટા બાર મિનિટ નો બન્યો છે આની પેલા છ મહિના ચાર મિનિટ નો બન્યો છે દોઢ કલાક નો બનાવી નાખ દેવા बारिश की वजह से काम बहुत धीरे चल रहा था और अब हो रहा है। यहाँ का डिप्रेशन निकल दिया है। ये गियर बॉक्स में से आने वाला पावर शाफ्ट है, यहाँ से पीटीओ चलता है और लो गियर चलता है। यहाँ से पीटीओ का शाफ्ट जुड़ा रहता है, यहाँ पर पीटीओ में बुशिंग रहती है और यहाँ पर वो क्या बोलते हैं निडल बेरिंग रहता है। अभी थोड़ा ये भी डैमेज हो गया है पर चल जाएगा, वैसे तो इतना बड़ा ज़्यादा डैमेज नहीं है, इतना तो चलता है। और ये निकाला हुआ डिप्रेशन पार्ट है, यहाँ से ना बोन ट्यूब साफ कर दिए सब, अब ये निकलने के लिए रेडी है। बस थोड़ी सी स्क्रू खोलने हैं ये, और यहाँ पर है दो, यहाँ पर है दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर और दो नीचे, टोटल आठ स्क्रू है बोल्ट, वो खोल देंगे तो ये सारा निकल जाएगा। और डिप्रेशन वैसा ही के वैसा ही रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम डिप्रेशन में नहीं, और डिप्रेशन का जो पिनियन आता है और पिनियन का बेरिंग गया है, लगता है कल शाम हो जाएगी। चलो गाइस मिलते हैं कल, अभी दोपहर हो गई है, खाना वाना हो गया, मस्त जाकर सोएंगे, तीन बजे उठेंगे और इनको साफ सफाई करेंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय।